हेलो, आई एम डॉक्टर जीना थॉमस, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, बैंगलोर। रेडिश वजाइनल डिस्चार्ज एट 27 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ वरी। डेफिनेटली टू रिपोर्ट टू देयर गायनेकोलॉजिस्ट इमीडिएटली, बिकॉज सर्टन थिंग्स हैव टू बी रूल्ड आउट दैट इट इज़ नॉट अ प्लेसेंटल अब्रप्शन, रूल्ड आउट नॉट अ प्लेसेंटा प्रीविया और एनी अदर ब्लीडिंग इन्फेक्शन और डिस्चार्ज पार्ट ऑफ प्री टर्म प्री रप्चर मेम्ब्रेन और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, मे बी पेशेंट इन प्री टर्म लेबर, सो नीड्स टू बी डायग्नोस्ड, और मे बी जस्ट अ ड्राइनेस पोस्ट सेक्शुअल एक्टिविटी मे बी द कॉज ऑफ डिस्चार्ज। सो एनी विच वेज, एनी ब्लीडिंग और रेड स्पॉट और रेड ब्लीड और डिस्चार्ज ड्यूरिंग 27 वीक्स हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड। So scan has to be done to rule out there is no placental abruption. You have to be sure by the ultrasound again there is no placenta previa. Preterm labor, after that the preterm labor, the dilatation of the cervix, the mouth of the uterus can be checked to see if she is in labor. Then if there is nothing like that, rule out infection. Vaginal infections may be the cause of it, or any tear or sexual activity with dryness can be the cause of it. So appropriately treat it. If nothing is there, just a reassurance and careful watch. Most important is watch for the baby's fetal movements regularly.